वेलकम टू माय चैनल फॉर नेहा फूड क्रेविंग। आज मैं बना रही हूँ साबुदाना खिचड़ी। इसे मैंने डाला है जीरा, 2 चम्मच तेल है, अब साथ में कटी हुई हरी मिर्च है, अदरक, और इनको मैंने तेल में सौटे कर लूँगी। और देखो बिल्कुल ये नरम से हो जाएंगे, तब इसके बाद मैं इसमें अपनी मूंगफली है जो मैंने पीस ली थी, मूंगफली को पीस कर इसमें मैं डाल दूँगी। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, सौते कर लेंगे, क्योंकि मूंगफली से जो है इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है साबुदाने की खिचड़ी का। तो मैं कभी कभी इसमें डाल लेती हूँ मूंगफली। अब ये साबुदाना जो है मैंने भिगो दिया था, इसको मैं अच्छे से एक दिन रख लेती हूँ, शाम को रखती हूँ, रात को लेती हूँ। मसाले हैं, नमक है, मिर्च है और सूखा धनिया है, और आलू मैंने डाल दिए हैं, साबुदाना डाल दिया है, तैयार है मेरा साबुदाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।